वंदितु सर्व सिद्धे धुवम अचल मनो वमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कल की बात थोड़ी सी रह गई है, उसे पहले पूरी करते हैं। मैंने कल कहा था, यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि समयसार सत्यार्थ ग्रंथ है कि प्रवचनसार सत्यार्थ ग्रंथ है, वस्तु स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में हम विचारें तो प्रवचनसार ही परम सत्य ग्रंथ है। समयसार को वस्तु स्वरूप की अपेक्षा सत्यार्थ नहीं कहा जा सकता। नवीनाणम पुणचरितम न दंशनम, इसमें ज्ञान दर्शन कुछ नहीं है। पंचास्तिका खोलो तो वहां पर मिलेगा दुंडम अनन्न भूदम दब्बेण विनाण पज्जाय पज्जाय विने विनाण दब्बम संभवदी। दुंडम अनन्न भूदम, दोनों अनन्य भूत है। द्रव्य परे के बिना भी नहीं रहती। अवदिरितो भावो, मूल वही के शब्द बोल रहा हूं मैं, पंचास्तिका संग्रह के। अवदिरितो भावो अव्यतिरिक्त भाव है द्रव्य और पर्याय में। द्रव्य गुण पर्याय यह एक ही वस्तु है, इसलिए प्रवचन सार में सातवीं आठवीं गाथा की टीका में ऐसा कहा कि पर्याय से रहित द्रव्य की कल्पना खर विषाणवत है, गधे के सिंह समान है। गुणों का समुदाय ही तो द्रव्य है और गुण कभी दृष्टिगोचर होते ही नहीं है, दिखती तो पर्याय ही है। पर्याय से अनुमान होता है गुण और द्रव्य का। एक तरफ तो यह कथन है और एक तरफ यह कथन है, नवी हो दी अपमत्तो न पमत्तो। और एक तरफ यह कथन है नवीनाणम न चरितम, वस्तु स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में प्रवचन सार परम सत्य ग्रंथ है। समय सार को यदि बहुत अच्छे शब्दों में कहना हो तो यह प्रयोजन परक सत्य ग्रंथ है। हमारा काम निकालने के लिए यह परम सत्य ग्रंथ है। इसके लिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि कोई मेरे पास आया और उसने पूछा, उदाहरण की बात है, वैसे मैं ऐसी कल्पना करता नहीं हूं कभी, और वो बोले मैं क्या बनूं। मैंने कहा बेटा आज पूरा स्कोप सीए कोई है, तुम सीए बन जाओ। उदाहरण ही है मेरा अपना, ठीक है। 10 मिनट में ही दूसरा आया, उसने पूछा कुछ पूछना है। मैंने कहा पूछियो, मैं जीवन में क्या बनूं, 12th पूरी की है। मैंने कहा तुम बीकॉम कर लेना, एकदम बेस्ट है बीकॉम। दूसरा लड़का उपदेश की भिन्नता में पक्षपात देखता है, लेकिन मैं कैसे बताऊं, मैंने पक्ष रहित उपदेश दिया है। सत्यार्थ रूप से विचारा जाए होने लायक तो सी ए ही है, लेकिन जो दूसरा लड़का पूछने आया है उसके बस की ही नहीं है वो होने की। तो जो जिस लायक होए, वो जहां पर खड़ा है हमने तुम्हारे प्रयोजन पर उपदेश दे दिया, वस्तु स्वरूप वो है, ये तुम्हारे तुम्हारे हिसाब का काम है। ये कोई पक्षपात की बात नहीं है। उदाहरण आप सबको समझ में आ गया होगा।
हमारा काम निकालना हो, भ्रमण नहीं करना हो हमको, तो ऐसा जानो कि मैं एक हूं, त्रिकाल वस्तु हूं, शुद्ध हूं। मत देखो फिर बाहर क्या क्या हो रहा है। एक बात तो ये हुई। कल आगम और अध्यात्म की भी काफी चर्चा हुई है। एक दिन मैंने एक प्रवचन में एक बात कही थी तो थोड़ी तकलीफ हुई थी विद्वानों को, आज भी तकलीफ होगी। मैंने कहा था देवों ने आकर सीता की रक्षा की, यह आध्यात्मिक कथन है। अब कितनी आकृति है बातें, अब कैसी बात करते हो, यह आध्यात्मिक कथन कैसे है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे? तो मैंने उनको पूछा दूसरे सेकंड में, मैंने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता कहना आध्यात्मिक भाषा है कि नहीं है? आध्यात्मिक कथन है कैसे हो सकती है? अच्छा, अध्यात्म के कितने नए हैं बताना? अध्यात्म के 8 नए हैं। पहला नए कौन सा है जरा बताना? पहला नए उपचरित असद्भूत व्यवहार ने विश्व का करता है, सर्वज्ञ परमात्मा संपूर्ण विश्व को जानते हैं या नहीं? विश्व का कल्याण करते हैं। देवों ने सीता को बचाया आकर, ठीक है? ये कौन सा कथन है भैया? ये पहला नए का कथन है, आध्यात्मिक नए। तो मैंने कहा यह कथन आध्यात्मिक है कि नहीं? फिर संभ्रम में पड़ गए, क्योंकि अभी तो एकदम ही ठोस बात सामने आई तो उनको तो समझ नहीं, तैयार नहीं वे कि क्या हो रहा है, ये ना भी कह नहीं सकते वे। तो मैंने उनको समझाया, भैया ये सब आध्यात्मिक कथन का अर्थ ये है, यहां पर जहां पर आत्मा का अधिकार हो उसे आध्यात्म कहते हैं। यहां पर आत्मा का अधिकार कैसे हुआ? जो जो आत्मा की तरफ जीव आता है, ऐसा कुछ भी कथन हो, जो कथन उपदेश सुनने वाले को थोड़ा आत्मा की तरफ लाए, वे सब आध्यात्मिक कथन है। जैसे देवों ने सीता को बचा ये कहा तो ये ख्याल में आया, देखो धर्मात्माओं की देवी भी रक्षा करते हैं। ये ख्याल में आते ही हम अधर्म से हटे, धर्म में जुड़ गए, हम सीमित हो गए जगत की प्रवृत्ति से। यह आध्यात्मिक कथन है। जितने कथन, जो कथन सुनने वाले व्यक्ति को एक कदम आत्मा की तरफ ले जाए, एक कदम मतलब एक इंच भी हो वो कोई बात नहीं है, टुवर्ड्स हो, टुवर्ड्स, वे सब कथन आध्यात्मिक कथन होते हैं। दरअसल बात इतनी सी है, जो 8वें नए का विषय है उसको हम बोली भाषा में आध्यात्मिक कथन कहते हैं। इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। अभी हमने अभी 8वें नए के विषय को अभी अध्यात्म क्यों कहा? क्योंकि जो ही आप ऊपर बढ़े तो ही पिछली सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। इस न्याय से व्यवहार नए के भेद कितने हैं? शांति से उत्तर देना, जल्दबाजी नहीं करना। इस न्याय से व्यवहार नए के कितने भेद हो गए? 7 भेद हो गए, 4 नहीं है। अशुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, साक्षात शुद्ध निश्चय नए को भी परम शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से व्यवहार का। क्यों? जो निषेध को प्राप्त होता है सो व्यवहार, एवं व्यवहार नो पड़ी सिद्धो, जो 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 प्रतिषेध को प्राप्त होता है वह सब व्यवहार। अच्छा मेरा प्रश्न है, क्या 8वां नए भी व्यवहार हो सकता है? 8वां नए भी व्यवहार हो सकता है? गंभीरता से विचारो, शुद्धात्मा की जिसको प्राप्ति हुई है वो नयों के विकल्प में क्यों उलझे? वो 8वां नए भी व्यवहार है जो शुद्धात्मा में प्रवेश करता है, प्रतिपाद्य का आलंबन करे। ये तो प्रतिपादक है ना, ये तो द्योतक है, हम तो द्योत्य को अंगीकार कर रहे हैं ना, उस न्याय से ये 8वां नए व्यवहार ही है। अरे बोलना यही व्यवहार है, हमने कहा निश्चय से ऐसा है। अरे ये बोलना ये क्या है?
सोचना, ये क्या है? ये सब व्यवहार है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो यह भी एक बात समझ लेना, इसको आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। सो ये आठवें नहीं के विषय को उभारता है, इसलिए आध्यात्मिक ने कहा। बाद बाकी फिर तो प्रवचन सार है, बाकी की पंच परमागम है, उनको भी आध्यात्मिक ग्रंथ ही कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक, इसको परम आध्यात्मिक कहने का तात्पर्य इतना सा ही रहा, त्रिकाली की बार बार उभर कर चर्चा इसमें आई है। आठवें नए के विषय को अध्यात्म कहने की पद्धति है, तो वह अध्यात्म हो जाएगा तो बाकी के सब व्यवहारता को प्राप्त होंगे। दूसरी बात यह हुई। तीसरी बात, अभी बस प्रवेश करते ही है, दो ग्रंथ है, नियम सार और समय सार। वैसे सारांत तो तीन ग्रंथ है, प्रवचन सार तो है ही, लेकिन अपनी तरफ से आचार्य महाराज ने कोई शब्दशा अर्थ खोला नहीं है प्रवचन सार का, खोलने की आवश्यकता भी नहीं है ज्यादा, लेकिन नियम सार का खोला है, समय सार का खोला है। हम पहले इसको सामने रखकर फिर आगे बढ़ना चाहेंगे। वैसे कल एक प्रश्न आया था अक्षत का, प्रश्न था शुद्ध का अर्थ जयसेन स्वामी के शब्दों में द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित ऐसा कहां पर आया? ज्ञान में है आपके? कल ये प्रश्न आया था। वो आप ऑफ मूड से बिल्कुल नहीं बैठना यहां पर, ठीक है? उदित, नोट्स किस में बना रहे हो? मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। कौन से पेज से बना रहे हो तुम? तो वही से आगे कंटिन्यू करोगे? ये मतलब की बात हुई मेरे, कॉपी नहीं लाया, मतलब की बात तो ये हुई मेरे। मैंने कल भी दो तीन जन को कहा था, मुझे बाहर देखो, मुझे बाहर आपसे बात करने के भी भाव नहीं आया आज। तुम यहां पर उपेक्षा करोगे कोई तो फिर अच्छा नहीं होगा। आप सबको नोट्स बनाना है प्रॉपर, यहां पर ध्यान देना। मैं किसी को भी कुछ भी पूछूंगा, मेरा प्रश्न है कि कल क्या प्रश्न था इनका, अक्षत का? बोलो मत, कोई बोलो मत। अभी तो मैंने बोला, मैंने कल क्या बोला था यहां से? शुद्ध का अर्थ जयसेन स्वामी ने द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित कहा लिखा। मैंने साथ में और एक बात कही थी, कुनकुन स्वामी तो बाद में मुखरित हुए, अमृत चंद्र स्वामी तो और बाद में, लेकिन जयसेन स्वामी ने सबके सबसे पहले झंडा गाड़ दिया, बिल्कुल पहली गाथा की टीका में, नो सस्पेंस। तीसरी गाथा तक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा क्या मालूम, चौथी पांचवी गाथा तक, तो एकदम शॉर्ट वर्ड्स में जयसेन स्वामी ने रहस्य खोला, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित उसको कहना शुद्ध। और ऐसे शब्दों में सीधा, ना कुनकुन ने कहा ना अमृतचंद्र ने कहा, कहां पर कहा? ये बीचों बीच आप देखेंगे जिनके पास जयसेन स्वामी की टीका है, जिनके पास नहीं है वे अभी कष्ट ना करे। ये अमल शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, अमल, एक पाठांतर मिलता है, पाठांतर। जयसेन स्वामी जब ग्रंथ की टीका लिखने बैठे तो उनके हाथ में जो समय सार आया था वो पाठांतर वाला था, उसमें अचल की जगह अमल छपा था, एक प्रति में अचल छपा था। तो उन्होंने तो दोनों ही के अर्थ कर डाले, उनको लगा जो भी कुछ होगा सो होगा। और अमल का अर्थ करते समय उन्होंने कहा अमल, त्रिविध कर्म मल वर्जित, यही की बात उठाई दौलत राम जी ने। मल के तीन अर्थ किए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म। और अमल शुद्ध स्वरूप कैसा है? इनसे रहित है और उसी को शुद्ध जानना, ऐसा अर्थ पहली गाथा की टीका में जयसेन स्वामी ने किया है। मुझे तो बाहर निकला और मुझे मिल गया था वो, ठीक है? अभी भी दिख रहा है कि नहीं आपको? अक्षत मिल गया, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें आना है थोड़ा, मैंने नियम सार को शब्द को खड़ा किया है, आप सब ध्यान दे रहे होंगे। नियम सार, समय सार, सार यह शब्द ये तो सभी जानते हैं, सारभूत चीज, एसेंस है ना, ये तो अस्थिपरक हम बोलते हैं। आचार्य देव अस्थिपरक नहीं बोल रहे हैं, वे नास्तिपरक बोलने की आदत है उनको। अभी अभी क्या बोला?
सार मतलब शुद्ध और शुद्ध मतलब द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म से रहित। तो सार का अर्थ क्या हुआ? द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म से रहित। नियम सार में सार का अर्थ करते समय ऐसा किया, नियम का अर्थ किया रत्नत्रय, नंसन नान चरितम नियमम, ऐसा मूल शब्द पड़ा। नियम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को नियम कहते हैं और विपरीत भावों के परिहार को सार कहते हैं। विवरीय परिहरत्थम सारम इदि, ऐसा मूल गाथा आप देखेंगे मिल जाएगा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। समय नियम सार में, नियम का अर्थ क्या क्या भैया? सार का अर्थ क्या क्या? विपरीत भाव से रहित। एक बात तो फलित हो रही है, नियम का अर्थ पर्याय बोला जा रहा है, शुद्ध पर्याय। नियम का अर्थ क्या बोला जा रहा है भैया? शुद्ध पर्याय। समय का अर्थ क्या बोला जा रहा है? द्रव्य। इसलिए मैं कहता हूं समय सार के आश्रय से नियम सार की प्राप्ति होती है। अगेन समय सार के आश्रय से नियम सार की प्राप्ति होती है। समय सार जीव तत्व है, परम पारिणामिक भाव है। नियम सार संवर निर्जरा मोक्ष तत्व है, औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षायिक भाव है। समय सार के आश्रय से नियम सार प्रकट होता है। नियम सार क्षणिक है, समय सार त्रैकालिक है। ओके, अभी और एक शब्द का खुलासा बचा है, कौन से? विवरीय परिहरत्थम। नियम सार में विपरीत भाव का परिहार ऐसा लिखा, वहां पर विपरीत भाव मतलब क्या लेना? वैसे आपको क्या लग रहा है? दो धारा प्रचलित है समाज में, एक तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित, ऐसे डॉक्टर साहब ने लिखा है अनुशीलन में, और दूसरी धारा यह प्रचलित है कि जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का तो परिहार हो ही गया था, अलग से क्यों बोलते? यहां पर व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिहार किया है। कितने जन ने फॉलो की बात को? वैसे आपको क्या जचते मैं आपको पूछू? नहीं ख्याल में आया? मैंने अभी अभी जो बोला कितने जन को ख्याल में आया? दो अर्थ मैंने किए नियम सार के, यहां पर नहीं समझ में आ रहा? सुना अच्छे से? नहीं सुना? पर आपका भी ध्यान नहीं रहता है। मैंने ये कहा समय सार का अर्थ तो अभी हमको देखना ही है, नियम सार का अर्थ ये किया। नियम का अर्थ नियमेन यज्जम कज्जम तम नियमम नान दंसन चरितम, नियम से जो करने योग्य है वो नियम और वो दर्शन ज्ञान चरित्र ही करने योग्य है तुम्हें। तो नियम मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र और सार मतलब विपरीत भाव से रहित। सार विपरीत भाव के परिहार के लिए प्रयोग किया जाता है। यू कहिए नास्तिक पर कथन, यू कहिए 1 लाख मतलब समय, और आगे बोलो ओनली मतलब सार। समझ में रहे? नास्ति परक, अस्ति नास्ति अनेकांत की सिद्धि है इसमें भी, एक शब्द में भी स्यादवाद है। ज्ञान मात्र भाव, मात्र मतलब मात्र राग आदि भावों से विभावों से रहित, और फिर ज्ञान आदि जो अविनाभावी गुण है उससे सहित। यह मात्र ने कितना कमाल कर दिया, स्यादवाद का एक झलक दिखा दी उन्होंने। मात्र मतलब विपरीत भाव का परिहार, सार मतलब विपरीत भाव का परिहार। मेरा प्रश्न है, मेरी बात यह है कि नियम सार के दो अर्थ किए हैं आचार्य, तो इतने लिख कर चले गए, नियम का अर्थ रत्नत्रय और सार का अर्थ विपरीत भाव का परिहार। टीकाकार ने भी कोई मेहनत नहीं की है। अतो हो सकता है प्रबुद्ध जीव बैठे होंगे उनके सामने, कोई खुलासा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लेकिन किया जाना चाहिए था, क्योंकि आगे चलकर देखे तो एकदम यूजलेस बात की उन्होंने टीका कर करके दिखाई है। तो यहां पर तो जरूर प्रकाश डाला जाना चाहिए था। क्या क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत है? एक धारा यह कहती है विपरीत भाव का परिहार मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का परिहार, एक धारा यह कहती है अशुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का परिहार। अशुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र होता है? चिन्ह में बोलो मत कोई, होता है अशुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र? क्या व्यवहार? व्यवहार व्यवहार मतलब क्या? अच्छे से बोलो, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को बोलो
अशुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कह रहा हूं, उसी को कह सकते शास्त्रीय शब्दों में सराग सम्यक दर्शन। आगे बोलो, सराग सम्यत्व, सराग ज्ञान बोलो, सराग चरित्र बोलो। सराग ज्ञान सुनकर आपको भेजा हिल गया होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब सराग सम्यक्त हो सकता है, सराग चरित्र हो सकता है, सराग ज्ञान नहीं हो सकता, कौन से ग्रंथ में लिखा है? एक एक बात के लिखी होती है सब जगह। अभी नया कोई आगे विद्वान आए को लिख सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सराग सम्यक्त कौन से गुण के पर्याय? चरित्र गुण का विकारी परिणाम। सराग सम्यक्त मतलब देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, सराग चरित्र मतलब 28 मूल गुण पालन का भाव, सराग सम्यक ज्ञान मतलब बोलिए आगे शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, ये 8 गुण है ना सम्यक ज्ञान के, उसको पालने का भाव। मुझे तो यह कहना है, दो धाराएं प्रचलित है, आपको कौन सी जचती है? छोड़ो अभी इन बातों को, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये ज्यादा रुचती है, क्योंकि शुभ भाव है, उनका भी रत्नत्र में कोई काम नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का तो स्वयं परिहार हो गया। आइए अपने प्रकरण में आइए, मैंने कल आपको पूरा श्रुत स्कंद आपके सबके सामने खड़ा किया था। श्रुत स्कंद समझते हो आप? स्कंद का अर्थ होता है कलेक्शन, ये श्रुत स्कंद है, ये ग्रंथ है ना जो हमारे सामने, इसको श्रुत स्कंद कहते हैं, ठीक है। स्कंद मतलब कलेक्शन। प्रवचन सार के 3 अधिकार है, कौन कौन से? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणानुयोग सूचक चूलिका, सबके अंत में एक लाइन लिखी मिलेगी। इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ, इस प्रकार द्वितीय श्रुत स्कंद, मतलब उनकी दृष्टि में मानो ये ग्रंथ ही अलग अलग। श्रुत स्कंद समझते हो? यद्यपि यह पुद्गल खंड, तदपि है श्रुत ज्ञान निबंध। कहां पर लिखा? टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखा कि यद्यपि यह, बोलिए, श्रुत स्कंद है, पुद्गल स्कंद है, लेकिन तदपि श्रुत ज्ञान निबंध श्रुत ज्ञान के होने में कारणभूत है। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? स्कंद मतलब समूह। तो श्रुत स्कंद का जो डायग्राम आपने देखा होगा वो पूरे द्वादशांक को दर्शाता है, ठीक है, जिसमें से कल हमने चर्चा की थी 12वें अंग की, दृष्टि प्रवादांग। दृष्टि प्रवादांग में 5 भेद है, जिसमें एक पूर्व है, मैं रिपीट नहीं करूंगा अभी, है ना। अभी मूल सेंट्रलाइज करेंगे हम, मैं समय पाहुड़ का अभी अर्थ आपको बताने वाला हूं, ओके। समय पाहुड़ नाम से ऐसा लगता है कि सीधा ठेठ, ये गणधरों से, प्रतिगणधरों से, परवर्ती आचार्यों से ही आया होगा, इनके नाम से ऐसा लगता है। ये मूल द्वादशांकांश है, ठीक है। एक तो स्वयं टीका में लिख दिया अमृतचंद्र स्वामी ने, शब्द ब्रह्मकांश है, और पाहुड़ इस शब्द में ही यह बात फलित होती है कि सर्वज्ञ की वाणी से आया है डायरेक्ट। क्यों पाहुड़ शब्द में ऐसा क्या है? अभी बताता हूं मैं पाहुड़ शब्द में क्या है। इसलिए जानते हो आप, कसाई भी पाहुड़ ही है, षटखंडागम भी पाहुड़ ही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, षटखंडागम नहीं आएगा वैसे, कसाय पाहुड़ तो पाहुड़ ही है। कैसे है मैं अभी बता रहा हूं। बारवांग दृष्टि प्रवादांग, और उसके अंतर्गत एक पूर्व, एक अलग सभी सेक्शन है जिसके 14 पूर्व भेद है। उन 14 पूर्व में 5वां पूर्व है ज्ञान प्रवाद पूर्व। नोट कीजिए सब, क्या कहा मैंने? ज्ञान प्रवाद पूर्व। इन ज्ञान प्रवाद पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है, एक एक वस्तु अधिकार में 20-20 प्रावृत है। बोलिए अब मुझे क्या कहना है? मुझे यह कहना है जिसका नाम प्रावृत होगा, जिसका नाम पाहुड़ होगा, वो आंख मीच कर समझ लेना वो सीधी वाह की वाणी है। तो जयचंद जी साहब ने ऐसा अनुमान व्यक्त किया है, ये ठेठ वहां से बात आई है। ये 5वें पूर्व में से जो 12 वस्तु अधिकार है ना, जिसमें से 10वीं वस्तु, और 10वीं वस्तु में से हर एक वस्तु में 20-20 प्रावृत है,
जिसमें से ये तीसरे ये समय नाम का प्रावृत वहां पर विद्यमान है। कहां पर? दसवें वस्तु में। वो कौन से नंबर का प्रावृत है ये कोई मेंशनड नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए विंशतिका पद्मनंदी विंशतिका, ये विंशति के की धारा में जो लिखने की पद्धति चालू हुई, हो सकता है ये ऊपर की ही तरफ संकेत करता है। विंशतिका क्यों कह रहा हूं मैं, 20-20 प्रावृत एक एक वस्तु में चलना है। इसलिए प्रावृत का अर्थ मात्र भेंट करना, उपहार करना, दिस इज नॉट इनफ एंड सफिशियंट। क्यों? ऐसा कहने में हम मूल परंपरा से जुड़ने को रह जाएंगे। प्रावृत का तो एक और अर्थ होता है प्र आभृत, प्रकृष्ट रूप से, चहुओर से भरा हुआ, लबालब। तो उस न्याय से शुद्धात्मा को कहेंगे प्रावृत, और प्रावृत का अर्थ इसीलिए होते होते बोलिए फिर सार तो किया ही है, समय सार, समय प्रावृत का अर्थ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे, आपको लिखना नहीं है। समय सार और समय प्रावृत में क्या संबंध है? समय प्रावृत है वाचक, समय सार है वाच्य। लेकिन मैं ये कह रहा हूं प्रावृत का अर्थ यदि हम पहुड़ कोई पर्टिकुलर एक श्रुत स्कंद नहीं बनाकर प्रावृत का संस्कृत अर्थ हम देखें, प्र आभृत चौर से लबालब भरा हुआ, तो वहां पर भी प्रावृत का अर्थ आत्मा बन जाएगा। चलना है क्या? वैसे मैं आपको बताऊं, यह जो कषाय पाहुड़ लिखा गया यह भी पांचवा पूर्व और यह भी दसवीं वस्तु अधिकार का ही प्रकरण है, लेकिन इसका इतना सा थोड़ा बस पता है हमको, ये तीसरा प्रावृत है। ये कठिन पड़ रहे क्या? थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, 2-5 मिनट में हम बाहर निकल रहे हैं अभी इससे, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा कठिनाई तो जाएगी, और आधा घंटा अभी 5 मिनट तो इससे ही बाहर निकलेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल से। बोलिए। ज्ञान प्रवाद जो पांचवा पूर्व है उसके 12 वस्तु अधिकार है, और एक एक वस्तु अधिकार में 20-20 प्रावृत है, और दसवें वस्तु अधिकार के पांचवा, दसवें वस्तु अधिकार के ही समय पहुड़ भी वही का है और कषाय पहुड़ भी वही का है। बस कषाय नाम का पहुड़ कोई तीसरा पहुड़ है और समय पहुड़ एक समय नाम का कोई पहुड़ ही है अलग सा, तो वो मूल प्रकरण को ही समय पहुड़ नाम है। तो हो सकता है उसकी विषय वस्तु ही यहाँ पर ली हो, या हो सकता है उन्हीं के सूत्र का ही यहाँ आए हो। कुछ पकड़ में आया? इतनी सिमिलरिटी कषाय पहुड़ और समय पहुड़ में है। और रही बात षटखंडागम की, वह भी पूर्व का ही भेद है, लेकिन वह बोलिए 14 पूर्व में से 5वें पूर्व का विषय नहीं है वो, अग्रायणी नामक 2वें पूर्व की वो विषय वस्तु है षटखंडागम। चलना है अभी आगे। अभी इस ग्रंथ में कहां कहां यह शब्द आया पहले हम इसको देखें। मंगलाचरण एक साथ सब पढ़ेंगे। वंदितु सव सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पते ओच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। समय पाहुड़ ऐसा स्वयं वे नाम देते हैं कुनकुन स्वामी। हम अंतिम गाथा को भी एक बार देख ले गए, उन्होंने समापन में क्या लिखा है। 415वीं गाथा आप खोलेंगे, अथ तच्छदो नादुम
अर्थे ठाहि चेदा सोहो हि उत्तमम सुखम। जो बस 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 जो समय पाहुड़ को पड़ेगा वो उत्तम सौख्य की प्राप्ति करेगा। पहले और अंतिम छंद में कुनकुन सौभि को अभिष्ट समय पाहुड़ ही है शब्द। ये तो एक पद्धति रही है, जैसे रत्नकरण सौकाचार का अंतिम छंद आप पढ़ेंगे एक दो तीन छंद पहले, रत्नकरंड भावम ऐसे शब्द पढ़ा है वहां पर। अतः इष्टोपदेश का अंतिम छंद पढ़ो, बोलो क्या है। इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान। जो भी ग्रंथ होता है वो ग्रंथ का नाम लिखने की पद्धति वो रहती है, कभी लेखक भी लिख देते हैं आदि आदि। तो इन इन दो आधारों से हमने निश्चित किया ये समय पहुड़ ग्रंथ का नाम अभिष्ट है। लेकिन कहीं कहीं स्वयं कुनकुन स्वामी ने समयसार ऐसा भी लिखा, जैसे 413वीं गाथा भी वही के नजदीक है, उसी को एक बार पढ़ ले, पढ़िए। पाषंडिलिंगे सुव गिहिलिंगे सुव बहु प्यारे सु समयसार भी शब्द का प्रयोग किया है। अभी देखिए मुझे तो यह बताना है अमृत चंद्र स्वामी के चित्त में बड़ा कहना चाहिए एक कसमकस चल रही है। एक तरफ समय पहुड़ भी चल रहा है और ये जो समयसार को जानेगा। और भी हम देखते हैं दो तीन प्रकरण और समझते हैं। 141वीं गाथा खोलिए 141। नहीं है इसमें, ठीक है फिर 143 खोलो। 142 खोलो। वन फोर टू भी खोलेंगे और 34 भी देखेंगे। कम्मम बद्धम बद्धम जीवे एवं तु जानने पक्खम पक्खादिकंतो पुण भण्डि जो सो समय सारो। ये समय का सार है। आगे भी देखो जरा 143-144 कुछ है क्या। 144 में है, 3 में नहीं है, ठीक। समय परिबद्ध हो नहीं, समय ही बस आया मतलब ना इसमें। चलो 144 देखिए। सम्मदन सन नानम एसो लहदी तिणवरी भव देशम सवर्णय पख रहे दो बणी दो जो सो समय सारो। लगभग कितनी गाथा में हमने समय सार देखा, तीन गाथा में। अभी समय की चर्चा नहीं करेंगे बीच में, क्योंकि समय की कितनी जगह चर्चा ही है ये फिर अलग सा देखना है हमको। अमृत चंद्र स्वामी को यह शब्द इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ग्रंथ का नाम समयसार ही सेट कर दिया है। क्योंकि मैंने अभी भी कहा समय पहुड़ द्रव्य श्रुत की तरफ संकेत करता है और समयसार ये त्रिकाली ध्रुव की तरफ संकेत करता है, वाचक और वाच्य। और उन्होंने वैसे एक प्रकार से नमः समयसाराय कहकर एक प्रकार से भगवान को भी याद किया। भगवान को भी समयसार कह सकते हैं, भगवान को समय पहुड़ नहीं कह सकते, ठीक है। समयसार त्रिकाली ध्रुव को भी कहते हैं, कह सकते हैं। और समयसार इस ग्रंथ का भी नाम उन्होंने सेट कर दिया, समझ रहे। देखिए विलियम शेक्सपियर ने ग्रंथ लिखा। विलियम शेक्सपियर जानते हो, वर्ल्ड फेमस ड्रामेटिस्ट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक छपाई में चली गई। जब पुस्तक छपाई में चली गई तो जिस जो पब्लिश करने वाले थे, बात नहीं आपस में बात नहीं करो,
हमको जो आता है वो देने के देने में नहीं उलझना चाहिए. प्रकृति ने भी है दिए. बोलिए, दो कान मुख एक. बुक का नाम क्या दे? बुक का नाम नहीं लिखा उन्होंने, बोल दिया एज यू लाइक इट. क्या कहना था उनको? भाई तुमको जो ख्याल में दे दो तुम, तो पुस्तक का नाम ही प्रसिद्ध हो गया एज यू लाइक इट. मैं क्यों कह रहा हूं इतना? वो किसी एक भाव की तरफ संकेत करता है एज यू लाइक इट, कि उसके पीछे जो घटना प्रसिद्ध हुई थी उसको भी प्रसिद्ध करता है. समयसार ग्रंथ का नाम लेकर वो भाव भी ख्याल में आना चाहिए जिसके पीछे पूरा ग्रंथ लिखा गया है. ठीक है, समय पहुड़ के अन्य अन्य ग्रंथों में क्या क्या अर्थ आए हैं थोड़ा सा उसको देखना है. मेहनत का काम है थोड़ा आज का बस, फिर कल से थोड़ा हल्का हो जाएगा. आयुष चलेगा. प्रभृत शब्द का अर्थ प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण प्रस्थापितम इति प्रभृत. ये जातक हो कषाय पहुड़ में, कषाय पहुड़ में प्रभृत की परिभाषा दी है. प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण प्रस्थापितम इति प्रभृतम, इति प्रभृतम. इसका अर्थ कोई मुझे बताएगा हिंदी में? हिंदी में भी लिखा रहा हूं मैं. ये कहां पर आया अर्थ? कषाय पहुड़ में प्रभृत का अर्थ किया. प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण स्थापितम इति प्रभृतम. प्रकृष्ट रूप से जो तीर्थंकर के माध्यम से प्रस्थापित स्थापित किया गया उनकी वाणी में आया है. प्रभृत का तो एक अर्थ ये मिल रहा है. अब हम समयसार के समय के कितने अर्थ कौन कौन से ग्रंथ में पड़े हैं थोड़ा उसको देखेंगे. ठीक है, पहले समयसार ही ग्रंथ में देखे हम, समय शब्द के अर्थ देखने हमको. एक तो दूसरी गाथा में समय शब्द आएगा, तीसरी गाथा में एक समय शब्द आना है, दूसरी गाथा में समय आत्मा के लिए आया है, आत्मद्रव्य. इसलिए वहां पर समय और स्व समय की चर्चा की है जिसका अर्थ बोलिए बोलिए बोलो आयुष. पर समय मिथ्या दृष्टि, स्व समय सम्यक दृष्टि. वैसे मैं थोड़ा और ध्यान आपको याद दिलाऊं, अभी अभी हमने 8वां अध्याय पूरा किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसमें 297 297 पेज पर टोडरमल जी साहब ने एक शब्द के कई अर्थ ऐसे थोड़ा जादू का प्रयोग किया 3-4 पेजेस पर. वहां पर समय के उन्होंने कितने अर्थ किए. समय का एक अर्थ तो द्रव्य किया, जहां पर सम और अय दोनों का अर्थ क्या होगा ये हम दूसरी का अर्थ में देखेंगे चाहे तो. समय का अर्थ द्रव्य, सॉरी समय का अर्थ आत्मा, समय का अर्थ द्रव्य होल, कोई किसी भी द्रव्य को समय कह सकते हैं तीसरी गाथा में. दूसरी गाथा में समय मतलब आत्मा. ओके, समय का एक अर्थ क्या किया? काल द्रव्य. समय का एक अर्थ क्या किया? काल द्रव्य का एक पॉइंट यूनिट. समय का अर्थ काल द्रव्य की पर्याय. टोडरमल जी कितने अर्थ किए वो मैं बताऊं पहले आपको, है ना? कितने अर्थ किए मैंने यहां पर? 4 किए. 4 सभी द्रव्य, जीव द्रव्य, काल द्रव्य, समय. काल द्रव्य का एक यूनिट, काल द्रव्य की पर्याय. कायदे से समय उसी को कहते हैं, काल द्रव्य की पर्याय का ही नाम समय है सच पूछो तो. फिर उसके हिसाब से हम सब जगह घटित करते, एक समय में ये हुआ, दो समय में ये हुआ, ऐसा 4 अर्थ हुए. समय का एक अर्थ शास्त्र भी है, टोडरमल जी साहब ने लिखा है. कहां पर आए ये जिनवाणी में? समय का अर्थ शास्त्र, तीर्थ कृत समय नाम च परस्पर विरोधतः सर्वेशा आप्तता नास्ति कश्चित एव भवेद गुरु. आप्त मीमांसा की तीसरी कारिका
तीसरी होगी समय, समय मतलब क्या लेंगे, सॉरी समय का अर्थ मत लेना यहां पर, मत समय का अर्थ मत, समय का अर्थ शास्त्र में अभी बता रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, समय का एक अर्थ क्या किया, अभी मत तीर्थ कृत समय नाम च, आगे बढ़ना है क्या है, आप तुम्हें मानसा तीसरी कार्य का एक मत का अर्थ शास्त्र भी होता है, ये सब टोडरमल जी साहब ने अर्थ किए, आधार नहीं दिए टोडरमल जी साहब ने, मत का अर्थ शास्त्र कहां पर आया, समय का अर्थ शास्त्र कहां पर आया, विद्यानंद आचार्य ने अष्ट सहस्त्री लिखी, वहां पर उन्होंने प्रारंभ में लिखा मेरी अष्ट सहस्त्री खूब पढ़ना भैया दम से, करी मंगल करी हो महान, महान ग्रंथ है मेरा भी बहुत, और कह रहे अधिक मैं क्या कहूं, जो अष्ट सहस्त्री पढ़ेगा उसको स्व समय पर समय का ज्ञान होगा, और उसको अन्य मतियों के हजारों शास्त्रों से क्या, जो अष्ट सहस्त्री एक पढ़ेगा उसको हजारों शास्त्रों से क्या लेना देना, स्व समय पर समय की पूरी चर्चा, वहां पर अपने शास्त्र और परशास्त्र ऐसा लेना, ठीक है, ये किसके अर्थ किए जा रहे हैं, समय के, या अपने जिनवाणी में जगह जगह समय के ऐसे अर्थ आ सकते हैं, जहां पर जो उचित हो वो लगा लेना। समय का अर्थ आत्मा, ऐसा सबसे पहली बार लॉन्चिंग ये कुनकुन स्वामी ने किया है, अन्य किसी भी डिक्शनरी में आप देखोगे वैसे प्रयोग के रूप में समय का अर्थ आत्मा आज तक किसी ने भी कभी भी नहीं किया था, ये कुनकुन स्वामी की देन। ओके, रयण सार में जो कुनकुन स्वामी ही का माना जाता है, वहां पर भी समय का अर्थ खोला है, वहां पर ये लिखा है समयो खलु निम्मलो अप्पा, समयो खलु निम्मलो अप्पा, समय किसको कहते हैं, जो निर्मल आत्मा है उसको समय कहते हैं, अब मतलब समय सार कोई भी समय कह रहे, सीधी बात। ओके, पंचस्थिकाय संग्रह में दूसरी गाथा की टीका, पंचस्थिकाय संग्रह में दूसरी गाथा की टीका, समय का एक अर्थ खोला है, आपको बताने वाला अर्थ किस रूप में लागू होता है, मैं पढ़ के दिखाता हूं, समयो ह्यागम, समय ही आगम है, शास्त्र के अर्थ में प्रयोग किया उन्होंने, तो टीका का नाम ही दे दिया समय व्याख्या, व्याख्या मतलब टीका, समय व्याख्या सचमुच आत्मख्याति को भी एक नाम दिया है उन्होंने, कैसे दिया है, कैसे दिया है, तीसरी गाथा तीसरा कलश, पर परिणति हेतुर उदित, उदित तुम अस्ताचल की तरफ फिर बढ़ रहे हो, बहुत थक गए होंगे वैसे अभी कार्यक्रम में, पूरा भार इन पर था, कहां तक आए, तीसरे कलश में कहीं आया है, पर परिणति हेतुर मोह नाम न अनुभावा दवीरत मनोभाव व्याप्ति कलमाशिताया, और बोलो मैं समय व्याख्या लिखकर मैं परम विशुद्धि की प्राप्ति करना चाहता हूं, समय व्याख्या मतलब ये समय सार ग्रंथ की टीका, ठीक है। ये कुछ मूल आचार्य टीका में देखिए, मूल आचार्य टीका में 895 की टीका, गाथा 895 की टीका में समय का अर्थ क्या किया देखिए, समयो नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तपासी तेषां च सारश चरित्रम, बोलिए कोई भी अर्थ हो मुझे, फिर से आगे नहीं, मैंने वैसे आपको बोला होगा मूल आचार्य में समय सार नाम का एक स्वतंत्र अधिकार है, बोला था मैंने आपको नहीं ज्ञान में आपके, मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ था मूल आचार्य में समय सार अधिकार, और हूबहू वही गाथा, भूदत्थेना बिगदा जीवा जीवा ये पुण्य पावंच, तो इससे लगा था क्यों होना हो ये कुनकुन स्वामी का ही ग्रंथ होना चाहिए, अथवा
ये बिल्कुल कॉपीकैट हुआ होना चाहिए, हूबहू। और आध्यात्मिक ग्रंथ तो ये था नहीं वैसे, हूबहू वही गाथा। और एक नहीं कई गाथा जो समयसार में वो मूलाचार में आपको मिलेगी। इसी के आधार पर तो विद्वानों ने दावा किया था, करते हैं कि ये एक ही लेखक है इनके। कहां तक आए? मूलाचार्य की टीका में समयसार का क्या अर्थ करते देखे, समयो नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तपासी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र और तप, चार आराधना को समय कहते हैं। तेषां च सारश्च, सारश चरित्रम बोलिए। और उसमें सार क्या है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में? बोलो सार, चरित्र है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मूलाचार ये चरणानियोग का ग्रंथ है, सब में प्रधान चरित्र ही है, और चरित्र को यहां पर सार लिखा। समय का अर्थ दर्शन ज्ञान चरित्र तप, और उन चारों में सारभूत ये चरित्र है। चरित्तम खलु दम्मो, तप तो कुछ नहीं है, तप तो चरित्र का ही एक भेद है। समझ में आता है क्या कहा? तप तो चरित्र का ही एक भेद है, उत्तम तप लिया ना हमने, कोई क्या है 895 की टीका। एक जगह समय का अर्थ ज्ञानी विद्वान, ऐसा भी इसी समय सार में 151वीं गाथा में क्या है? बस एक सौ इक्यावनवी गाथा। अब हम मूल ग्रंथ की तरफ बढ़ते हैं। पहला कलश हम देखना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, बीच में एक चर्चा कर ले, कल कितने बजे आ सकोगे आप? यहां पर कितने बजे क्लास प्रारंभ होगी बोलिए आप, कि सोचकर बताओगे? वैसे 7:05 को मैं तो 7 बजे यहां था, 7:05 को सभी जन यहां पर थे, 2-3 जन नहीं थे। 7:05 पर आप मुझे बताओगे उसके अनुसार। वैसे आपको 7:15 तक आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यू आर नॉट बाउंड टू कम, बट फिर भी आपको सेविज ऑफ टाइम, यूसेज ऑफ टाइम यदि आप प्रिफर करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोलिए जल्दी, 7:05 पर मैं यहाँ रहूँ? ओके, चलिए पहले कलश को की तरफ हम देखेंगे। पढ़िए पहला कलश सब एक साथ। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। मंगलाचरण जीवन में से राग द्वेष रूपी पाप गल जाए और शुद्धता की प्राप्ति हो, इसके लिए रखा हुआ चरण, ठीक है, बढ़ते कदम, ये मंगलाचरण। मंगलाचरण में ही जहां पर एक तरफ गुरुजी कुनकुन स्वामी सिद्धों को याद करते हैं वहां पर तो विशेष चर्चा करेंगे ही, यहां पर यह सिद्धों को याद नहीं करके या पर नमस् समय सारा कहकर यह त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा को याद करते हैं। हालांकि इसमें दो दो अर्थ निकल रहे हैं और ऐसी पद्धति पहले से आचार्यों की रही है, एक शब्द में से 3-3, 4-4 अर्थ निकालने की पद्धति। नमः अकलंका, तो अकलंक मतलब कोई अकलंक नाम के मुनि नहीं लेना है। समन भद्र को नमस्कार, समन भद्र नाम के कोई व्यक्ति थोड़ी याद किए हमने। विद्यानंद आचार्य ने तो अपनी अष्ट सहस्र टीका में खूब प्रश्नोत्तर और ऊहापोह खड़ा किया है। समन भद्र को याद किया, समन भद्र कौन थे? विद्यानंद के गुरु जी थे, परोक्ष गुरु, उन्हीं के आप्तमीमांसा को लेकर ही आगे बढ़ रहे ना, उन्हीं के आप्तमीमांसा को लेकर ही आगे बढ़ रहे। ओके, तो उनको प्रश्न पूछा, आप समन भद्र को क्यों याद करते हो? तो वहां पर उन्होंने कहा, समन भद्र मतलब आप क्या समझते हो? समन भद्र स्वामी? ना ना ना, स्वामी कहना ये विशेष मंगलाचरण है,
समंत भद्र मतलब समंत भद्र, जो चहुओर से भद्र है, ऐसा शुद्धात्मा इस समंत भद्र को हमने नमस्कार किया। क्या शुद्धात्मा ही आएगा क्या? नहीं, जो चहुओर से भद्र है ऐसे रत्नत्रय से परिणमित संपूर्ण आचार्य उपाध्याय साधु, उनकी पूर्णता करने वाले अरहंत सिद्ध, इन पांचों परमिष्ठ को हमने नमस्कार किया। बहुत प्राचीन पद्धति है ऐसी। हमने देखा था थोड़े दिन पहले, आपने भी देखा होगा, महावीर को नमस्कार किया गोमटसार कर्मकांड में। महावीर का क्या अर्थ किया वहां पर? महावीर का अर्थ 2400 तीर्थंकर किया है। महा वी ई रम, वी ई रम मतलब ई रम, रम किसका सूचक है? 4 2 वी 4 का सूचक है। ई मतलब लक्ष्मी, 42 को नमस्कार। व्हाट इज 42? अंकनाम वामतो गति, 24 को नमस्कार। ऐसी पद्धति अपनाते थे अपन। इनको देखो, सदा सुखदास जी को उन्होंने क्या अर्थ किया? नमः श्री वर्धमानाय। वर्धमान का अर्थ क्या क्या बोलिए? वर्धमान, वर्धमान का अर्थ 24 तीर्थंकर नहीं किया है उन्होंने, अथवा यू कहिए उनको तो गर्भित कर दिया है। अव रिद्धमान कहकर वो कॉमन मंगलाचरण कर दिया उन्होंने। विवाद को छोड़िए, कोई महावीर के चेले नहीं है हम, कोई व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ नहीं है हमारा धर्म। हमारा धर्म तो वस्तुनिष्ठ है, वस्तु पर आधारित है, सर्वव्यापक बनाओ इसको। तो अवरिद्धमान कहकर चहु ओर से रिद्धि को प्राप्त समस्त ज्ञान ज्ञानी जनों, उन सबको नमस्कार कर दिया। ऐसा आप देखेंगे, ऐसी पद्धति को अपनाने की शैली बहुत प्राचीन रही है। तो इन्होंने भी समयसार कहकर पंच परमेष्ठ को याद किया। कार्य समयसार, कार्य समयसार, कारण समयसार भी याद किया है मुख्यता से, और समयसार नामक ग्रंथ भी उनके सामने है। नमस् समयसार आए, समयसार को नमस्कार करता हूं, जो कैसा है। 4 विशेषण इसमें आए हैं। स्वानुभूतिया चकासते 1, चित स्वभावाय 2, भावाय 3, सर्वभावांतर छिदे 4। 4 विशेषणों से युक्त समयसार को उन्होंने नमस्कार किया है। एक द्वैत नमस्कार होता है, एक अद्वैत नमस्कार होता है, ठीक है? क्या कहा मैंने, बोलिए? द्वैत नमस्कार, अद्वैत नमस्कार। क्या है द्वैत अद्वैत? जहां पर पूज्य और पूजक अलग अलग होते हैं उन्हें द्वैत नमस्कार कहते हैं, जहां पूज्य और पूजक अलग अलग होते हैं उसे, सॉरी, एक होते उसे अद्वैत नमस्कार कहते हैं। एक अकेला अपने अपने में ही घटाना, पूज्य और पुजारी। पुजारी कौन? पूजन करने वाला, वर्तने वाली ज्ञान दर्शन की पर्याय, अथवा यू कहिए समस्त पर्याय अपने त्रिकाली की तरफ झुकाव है। एक पर्याय श्रद्धान कर रहे, एक पर्याय ज्ञान कर रहे, एक पर्याय लीन हो रही है, इस प्रकार लगा लेना। किसका अर्थ किया भैया? अद्वैत नमस्कार और द्वैत नमस्कार। नमः समय साराय, नमः झुकने से प्रारंभ हुआ है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था, याद होगा, झुकना सीखना चाहिए। और महापुरुषों को झुकने झुक कर ही कोई भी काम जीवन में सफल हो सकता है। यहां पर महापुरुष मतलब कौन हो सकता है? पंच परमेष्ठी। हम किसको याद करेंगे ऐसे शुभ प्रसंग में? हम और याद भी किसको कर सकते हैं? जिन्होंने उसकी प्राप्ति की है उन्हीं को याद कर रहे हैं। 4 विशेषणों की हमको चर्चा करनी है, हम कल देख सकते हैं इसको, कल देखेंगे। ओम नमः।